तो एज यू नो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म निकल चुका है, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए। एंड एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, दैट्स ऑन 30th मार्च। लेट मी शो यू दैट। सो दिस इज द वेबसाइट फॉर साउथ, ऑल राइट। 2024 के लिए जो लास्ट डेट है, दैट इज 31st मार्च, ठीक है। एंड एग्जाम विल बी ऑन 20th और 21st अप्रैल, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी डेट पर एग्जाम हो सकता है। सो यू हैव 16-17 डेज, फिल अप द फॉर्म। एंड दिस इज देयर लेटेस्ट सैम्पल पेपर, अकॉर्डिंग टू विच लास्ट टाइम दिस वॉज इट वॉज वेरी अनक्लियर की वेदर देर इज नेगेटिव मार्किंग और नॉट। इन दिस PDF दे हैव गिवन दैट 1/4 ऑफ द मार्क्स, ठीक है, डिडक्ट होंगे फॉर नेगेटिव मार्किंग, फॉर इफ यू गेट द रॉन्ग आंसर। ओके, सो प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली यू नीड क्वेश्चन पेपर्स। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो 2012 से लेकर के 2018 तक के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। 2019-20 में सैम्पल पेपर्स अपलोड हुए, यहाँ पर SP लिखा हुआ है, SP फॉर सैम्पल पेपर। एंड देन एक लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है 2023 में। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है वो साहू ने रिलीज नहीं किया है 2022-2023 के लिए। ओके, सो फॉर दैट वत्सल इज हियर। ओके, वत्सल क्रैक लास्ट ईयर साहू एग्जाम, करेंटली स्टडिंग इन DSC, एंड इन साहू ही गॉट 8th रैंक, ओके, इन द लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम। सो ही विल बी गाइडिंग अस कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ही विल बी गाइडिंग अस दैट। सो वसल, कैन यू टेल द व्यूअर्स अबाउट दैट? गुड इवनिंग सर। बेसिकली सर, साउ इज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी। सो सर, दोज हु आर प्लानिंग टू गो इनटू रिसर्च और इन एकेडमिक्स, सो उनके लिए इट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऑल दो इसकी लिमिटेड सीट्स है, बट दैट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज उनकी बहुत सारी कट ऑफ्स आती हैं। लास्ट ईयर भी आई थिंक दे हैड 5 to 6 कट ऑफ्स। सो इफ यू आर एबल टू क्लियर सम कट ऑफ दैट दे प्लान, ऑल दो वो रिलीज नहीं करते, बट उन इंटेंडेड कट ऑफ होती है अबाउट 50%, 60%, हर साल की अलग होती है। सो इफ यू आर एबल टू क्लियर दैट, सो यू आर गुड टू गो। मोर ओवर सर, अगर एक देखा जाए तो इनके पास स्कॉलरशिप्स भी होती हैं फॉर टॉप स्टूडेंट्स, दोज हु आर टॉपर, टॉप रैंकर्स, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग अट्रैक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। सर, अगर एग्जाम पैटर्न की सर बात करें तो सर, आई फील दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पास ईयर्स। इफ यू आर फोकसिंग इन पास ईयर्स, so you are good to go. As you mentioned that past years are available from 2011 onwards, so you should pass practice past year first of all. Then sir, since the program is for development economics, so second focus should be on development economics. When you will be seeing past years, you will get to know that development economics is being asked many times. The topics which I have mentioned like are poverty, inequality, HDI approaches, all the approaches for HDI that are being used. If you see econometrics, they focus more on basic econometrics, OLS, regression, type 1, type 2 errors, all of these sort of things. Mathematics also, basic maths is sufficient, like basic LA, eigenvalues, eigenvectors, basic calculus, questions related to roots of equations, derivatives, limits, all these things are asked. For macro topics like Occam's law, Phillips curve, and last year they had a question of expectations or augmented Phillips curve, all those sort of things. For stats, I feel simple इनको probability. बिट स्लो ताकि सब लोग नोट भी कर पाए, ठीक है। Sure. या ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, Then for stats, you can refer to simple probability questions, Bayes rule. या And if you're doing the past years, so I feel that you'll get an idea what level they expect and what are kind of questions come in the exam. Like So what the you are previous saying year. is कि 2023 वाला एग्जाम भी ऑलमोस्ट वाज लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Yeah, it was more or less same. The level was same. ओके, एंड वर देयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लुईस मॉडल, हैरिस टोडारो एंड दोस थिंग्स, जैसे पास्ट ईयर्स में भी आए हुए? Not in the past 23 exam.
बट या इट हैड देयर बट इंपैक्ट. ल्यूइस मॉडल का क्वेश्चन आता रहता है, अगर आप अगर इफ यू सी दी देयर सैंपल पेपर, लेट मी शो यू दैट. सो इनके लेटेस्ट सैंपल पेपर में दे दिस सार्क इज ऑलवेज आर्क. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में सार्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सार्क इज बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसके अंदर 8 मेंबर्स हैं. सो सार्क से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट. एंड डेवलपमेंट में अभी वत्सल ने बता ही दिया दैट वी हैव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, HDI, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनइक्वालिटी, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स के आएंगे. तो बट जो लेवल है दैट इज नॉट वेरी टेक्निकल, ओके. एग्जाम का लेवल इज नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी के भी बेसिक क्वेश्चन है, राइट, नॉट वेरी यस सर, नो कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, ओके. प्रॉब्लम. या 12th बेस रूल एंड ऑल दैट सच क्वेश्चंस. बेसिकली बेस थ्योरम टाइप चीजें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी इज देयर. व्हाट एल्स, बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हैं? सर बुक्स तो सेम वही जो हम रेफर करते हैं फॉर ऑल द एंट्रेंसेस. द बेसिक फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोबेबिलिटी 12th क्लास प्रोबेबिलिटी एनी बुक फॉर 12th क्लास यू कैन रेफर. फॉर इकोनोमेट्रिक्स आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर दे हैड मेनी क्वेश्चन ऑन अबाउट 2 to 3 क्वेश्चन फॉर टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. वन वॉज फॉर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, वन वॉज फॉर मैचिंग. सो यू कैन फोकस ऑन दैट. वन एरर, टाइप टू एरर इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एज पर लास्ट ईयर्स एग्जाम. बट एल्स डेवलपमेंट के लिए आई वुड से देवराज रे इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक? यस सर, देवराज रे विल सफलेट. उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं, राइट, हाँ, जीनी कोफिशिएंट एंड ऑल द इनइक्वालिटी लॉरेंस अप्रोचेस कर्व. लॉरेंस का. तो देवराज रे आपको रेफर करनी चाहिए. ऑब्वियसली साउ का जो फोकस है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर है, तो आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स काफी अच्छे से कर लेनी चाहिए. एंड टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए, बेसिक सोलो मॉडल का, स्टैंडर्ड सोलो मॉडल आपको पता होना चाहिए, ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, ओके. मैथ्स में आपने बताया लिमिट्स, व्हाट एल्स? लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, द लीनियर अल्जेब्रा वाज बेसिक लाइक आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर. वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू आइगन वैल्यू, आइगन अंडर नंबर. लीनियर अल्जेब्रा बेसिक रैंक टाइप के क्वेश्चंस वो भी देखे मैंने पास्ट ईयर्स में. तो रैंक हो गया, आइगन वैल्यूज हो गई, आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टी बेस्ड थिंग्स जो जिससे डायरेक्टली उसके बारे में पता चल जाता है, राइट. तो थिंग्स लाइक दैट, ओके. एनी पर्टिकुलर टिप्स जो साउ में काम आ जाएंगी स्टूडेंट्स को? तो फोकस ऑन पास्ट ईयर्स बिकॉज लास्ट ईयर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. सो आई ओके. फील पास्ट ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अनलाइक ISI, DSE, बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर से ही रिपीट हो रहे हैं. सो यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन दिस, एंड आपको जितने क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है आपको वो कर लेने चाहिए, ओके. सो डेफिनेटली गो थ्रू PyPYQs, डिस्कस देम. हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां पर भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, ओके. एनीथिंग So one interesting thing एल्स? happened. So one interesting thing, like in past years, they used to give a passage for reading every time in the previous years. So sir, a passage it used to repeat many times. There was some Amrita Sen passage, and they were telling basic things like any of the development that he made. So sir, अब last time उस passage का question तो नहीं आया, but उस passage में से question आ गया. तो अगर आपने past years करे हुए हैं, तो you would know कि वो passage में क्या था. उस passage से ही question बनाकर उन्होंने दे दिया. तो दे फोकस मोर इन पास्ट ईयर्स आई फील. ओके. सो पास्ट ईयर्स में कहीं पर भी जो पैसेजेस हैं वो आप ये ऐसा मत सोचना कि वो पैसेज फिर से आएगा, हो सकता है उस पैसेज पर एग्जैक्टली बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए और वो पैसेज वहां पर ना हो. सो यू विल बी एबल टू डू दैट, दो क्वेश्चंस ओनली व्हेन अगर आपने वो पैसेज पहले पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली व्हाट द कंक्लूजन इज कि यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑन द PYQs. बिल्कुल अच्छे से आपको ये करना है. एंड इसके अलावा साउ के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, वहां पर प्लेसमेंट सेल नहीं है, ठीक है, बट वहां पर रिसर्च इंटर्नशिप आपको इजीली मिल जाएगी. वहां के जो प्रोफेसर हैं दे विल रेफर यू इन थिंक टैंक्स, ठीक है. रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साउ इज अ वेरी गुड प्लेस, फैकल्टीज फैंटेस्टिक, ठीक है. बट वहाँ प्लेसमेंट सेल नहीं है. अगर आपको मतलब बेसिकली अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो वो आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा. यू विल नॉट गेट एनी सेपरेट हेल्प फ्रॉम साउ, ओके. इट इज प्योरली फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्दर स्टडीज करनी है, PhD करनी है, या आपको थिंक टैंक में जाना है,
तो इट इज अ वेरी गुड प्लेस. ओके एंड ऑब्वियसली इसके पास्ट ईयर जब आप करोगे तो दे विल बी हेल्पफुल फॉर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, JMI एज वेल. ओके सो अल्टी अगर आप इसे कर रहे हो तो टेक इट एज, अगर आपको साउ नहीं भी जाना है तो भी इसके पास्ट ईयर ऑब्वियसली यूजफुल है. राइट राइट वत्सल. यस सर. सर वन थिंग मोर, जो लोग अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या फिर जो रिसर्च करना चाहते हैं, सो अगर इफ यू दे आर एबल टू गेट सम गुड रैंक, सो वो अप्रेंटाइसशिप उन्हें शुरू से मिलने शुरू जाती है फ्रॉम द डे वन. दे आर मतलब स्टडिंग एंड दे आर गेटिंग अ स्टाइपेंड, सो वो भी एक प्लस पॉइंट है. आई डोंट थिंक और किसी यूनिवर्सिटी में अगर रिसर्च के उससे देखा जाए तो दैट इज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग आई फील. तो वेरी दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट साउ इज गिविंग यू, और उसके लिए स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको. यस सर, ट्यूशन फीस और ट्यूशन फीस तो वेव ऑफ है, देन आपको स्टाइपेंड में मिलता है अगर यू आर एबल टू गेट गेट द गुड रैंक्स, द फर्स्ट 10 और फर्स्ट 5 रैंक्स. ऑल राइट सो दैट्स ऑल फॉर साउ. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. सो आई विल बी आंसरिंग दैट, एंड इफ Vassal's help is needed, I'll ask him and let you know in the comment box as well. Okay, and we'll be having similar session on Madras School of Economics, JMI, okay, SNU, Ashoka. Okay, so we'll be having similar such sessions for these institutes as well. ठीक है, तो वहां मिलते हैं. All right, thank you, Vassal. थैंक यू सर. Bye bye.